राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में फिर मौसम सुहावना हो गया है। बुधवार रात दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में तेज बारिश से कई दिनों से पड़ रही हुमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। देश के कई राज्यों में इन दिनों धूल भरी आंधी और हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की ये गतिविधियां आज भी जारी रह सकती हैं। खबरों के अनुसार दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ साथ आंधी भी चलने से तापमान फिर से कम हो गया है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भी बारिश की संभावनाएं जताई है। दिल्ली एनसीआर ने मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से हो रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने दो दिन तक अलर्ट जारी किया है। तेज हवा और बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 21 मई की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होगा। देश के कई राज्यों में इन दिनों धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि इससे तापमान पर कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ देर के लिए मौसम में ठंडक बनी रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित देश के उत्तर पश्चिम हिस्से के मैदानी इलाकों में प्रिय मानसून गतिविधि जारी है। बीते मंगलवार से कई राज्यों में धूल भरी आंधी चल रही है। मौसम की ये गतिविधियां आज भी जारी रह सकती हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, बठिंडा, फिरोजपुर, अंबाला, करनाल, सिरसा, रोहतक, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ सहित कई शहरों में हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। हालांकि इसके बाद बीच में ये गतिविधियां थम जाएगी। बीती रात को दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई, वहीं आज सुबह तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। आईएमडी ने ट्वीट कर कहा, एनसीआर, लैनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपोरा, नोएडा, ग्रेट नोएडा, फरीदाबाद और हरियाणा के आसपास के इलाकों में 50 से 70 किमी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। राजस्थान में बुधवार को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसके कारण दोपहर बाद जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ जिलों में आंधी जारी और हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार गुरुवार को जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में विक्षोभ का असर बना हुआ है। राजधानी में गुरुवार को मौसम बादलों से भरा हुआ है। नमी के कारण ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 18 मई को जयपुर और भरतपुर संभाग में कुछ भागों में बारिश और आंधी जारी रहने की संभावना है। 19 से 21 मई के दौरान मौसम सूखा रहेगा। अगले 3 घंटों में जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश होगी। इसके साथ ही 30 से 40 की गति से आंधी आएगी। धौलपुर जिले में बुधवार को आकाशीय बिजली गिरने से 3 अलग अलग स्थानों पर 3 युवकों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बुधवार को बादल छाए रहे, साथ ही कहीं कहीं हल्की हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी भी हुई। भोपाल, ग्वालियर, राजगढ़ में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानियों ने के अनुसार गुरुवार शुक्रवार को भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बादल छाने व तेज हवाएं चलने के साथ साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है।